Assalamu alaikum nazreen, welcome to another episode of Hire presents smart cooking show on Masala TV with me Zarnak Sidwa. आज हम क्या बना रहे हैं, हम पम्पकिन एंड पोटैटो कड़ी बना रहे हैं. पम्पकिन यानी लाल वाला जो कद्दू होता है वो आलू हैं और इसमें चने भी जाएंगे. बहुत ही मज़ेदार सा एक मसाला है, खोपरा वगैरह है, इससे हम बनाएंगे. कैरमल आइस्ड बनाना डेट केक आज हम बना रहे हैं. सो बनानाज हैं, खजूर है और हम एक कैरमल सा सॉस बना के उसकी आइसिंग में डालेंगे और डेकोरेट करेंगे और मज़ीद खजूर के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ मैंने प्री हीट कर दिया है हायर के बिल्ट इन अवन को. इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रिल के साथ, कन्वेक्शन फ़ैन के साथ, प्लेन ऑन इट्स ओन, नीचे का ऊपर का, ये सब कुछ यहाँ आपको नज़र आ रहा है. टाइमर है इसके साथ साथ. यहाँ 50 डिग्रीज से 250 डिग्रीज तक आप टेम्परेचर इसका रख सकते हैं और देखें बिल्कुल क्लियर है, यू कैन सी थ्रू. कांच भी इसका यहाँ से आप निकाल के साफ़ कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं क्या क्या है. चीनी है इसमें, तेल जाएगा, अंडे हैं 4 अदद, 3 केले मैंने स्लाइस करके रख दिए हैं, वेनिला एसेंस है, दालचीनी का पाउडर है, मैदा है, सोडा बाइकार्ब है, नमक है, खजूर है जिसको पिट करके और चॉप करना है, यानी कि बीज निकाल के चॉप कर देना है, ठीक है. और ये सारी चीज़ें मिक्स करके हम 2 डिशेस में बेक करने आज रख देंगे ताकि जल्दी से हो जाए हमारे शो पे. सो सबसे पहले यहाँ आपने लेने हैं 4 अदद अंडे और उनको आपने कर देना है बीट. डालेंगे पिसी हुई थोड़ी थोड़ी करके. फिर इसमें तेल जाएगा. इसमें फिर हम बनानास डाल देंगे और खजूर, ड्राई चीज़ें जो हैं वो सारी मैं एक दूसरे बोल में डाल देती हूँ जिसमें यहाँ मैदा है और थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा, बेकिंग सोडा है और दालचीनी का पाउडर है, ठीक है. सारे ड्राई अज्जा भी हो गए. अगर आपके पास बनाना एसेंस है तो डालिएगा, वरना मैं इसमें वनीला एसेंस डाल देती हूँ. हर चीज़ मिक्स करिएगा. अब इसमें आप डालिए मैदा, बेकिंग सोडा, नमक और दालचीनी का पाउडर और अच्छी तरह हर चीज़ मिक्स करके हायर के प्री हीटेड बिल्ट इन अवन में हम रख देंगे इसको बेक होने के लिए. यहाँ मेरे पास 2 डिशेस हैं एक ही साइज़ की. आप एक बड़े टिन में भी कर सकते हैं, मेरे पास कम टाइम है तो आई थॉट कि मैं जल्दी से इसमें इस तरह कर लूँ. थोड़ा सा तेल लेंगे, इसको ब्रश कर दीजिए डिश को अच्छी तरह, दोनों डिशेस को. बड़ा बंट टिन हो आपके पास उसमें भी एक बना सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स टाइम फिर आपके पास होगा ना. हमारे पास कम टाइम है ऑन द शो, दैट्स व्हाई एम डूइंग इट इस तरह. अब अच्छी तरह आप मैदे को मिक्स करिए. दूसरे अज्जा जो आपको नज़र आ रहे हैं उससे हम एक सॉस बनाएंगे. पहले ज़रा चम्मच से अच्छी तरह साइड से
मैदा अंदर मिक्स करते हैं, बिकॉज साइड्स में देखें इस तरह रह जाता है, नीचे से भी लेते हैं। बहुत मज़े का केक है, इसमें आप अखरोट भी चॉप करके डाल सकते हैं। ठीक है, अब डिवाइड कर देंगे बैटर को दो हिस्सों में। एक डिश में हो गया, अब एक और डिश में डाल देते हैं। चलिए, नाउ दिस इज रेडी टू बेक। हायर के प्री हीटेड बिल्ट इन ओवन में। ठीक है जी, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ मक्खन है, ब्राउन शुगर है, आइसिंग शुगर है, दूध है, ये सब कुछ हम ज़रा एक पैन में पकाएंगे। ओके जी, तो कैरमल सॉस बनाने के लिए मक्खन लीजिए, उसमें आप ब्राउन शुगर डालिए और थोड़ा सा दूध, ब्राउन शुगर, थोड़ा सा दूध और इसको चलाइए। ओके जी, तो जब ये मक्खन पिघल जाएगा और एक मज़ेदार सा थिक सा कैरमल सॉस हमारा रेडी हो जाएगा, तो मैं इसको चूल्हे से हटा के रख दूंगी। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। ये देखें, ये इस तरह सॉस रेडी हो जाए, मक्खन, ब्राउन शुगर और थोड़ा सा दूध, ठीक है, दैट्स इट। अब मैं इसको यहाँ ठंडा करने रख देती हूँ। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम आइसिंग शुगर बीट कर देंगे, फिर हम डेकोरेट कर देंगे बादाम के साथ और यहाँ खजूर है। सो दिस इज़ डन, नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट रेसिपी। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा तेल हम गरम करेंगे और उसमें हम लाल वाला कद्दू जो है, रेड पम्पकिन, उसको फ्राई करके एक तरफ रख लेंगे। बड़े स्लाइसेस आते हैं, बीज वगैरह निकालिएगा, अच्छी तरह उसको चॉप अप कर दीजिएगा और थिक इसकी स्किन है वो भी अच्छी तरह निकाल दीजिएगा। चने यहाँ बॉईल किए हुए हैं और आलू है वो हम डालेंगे, खोपरा है, अदरक का पेस्ट है, हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर है, नमक है और थोड़ी सी चीनी है, घी है और ये एक मसाला है, ये एक मसाला है जो मैंने मिक्स करके यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। इसको हमें रोस्ट करना है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सौंफ है, राई दाना है, मेथी दाना है, कलौंजी है और ये लाल वाली मिर्चें हैं, साबुत ज़ीरा है और साबुत धनिया है। सो इसको हम यहाँ रख देते हैं और ये सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करते हैं, फिर इसको हम पीस लेंगे। तो ड्राई रोस्ट करके हम पीस लेंगे, ये हल्का सा सॉटे करके फिर इसमें आप डाल दीजिए आलू, आलू को भी फ्राई होने दीजिए, आलू कच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, ये मीनवाइल यहाँ जैसे जैसे ठंडा होगा थोड़ी सी आइसिंग शुगर हम इसमें डालेंगे, ये मैं यहाँ रख देती हूँ और फिर इसको हम ज़रा ठंडा होने देते हैं और फिर ग्राइंड कर देते हैं। जब ये मसाला थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप इसको एक
छोटे से ग्राइंडर में डालिए और इसको आप पीस लीजिए। आलू और लाल कद्दू यहाँ हम फ्राई कर रहे हैं। बिकॉज ये चने बॉयल्ड हैं, मैं बिल्कुल एंड में डाल दूंगी, ठीक है। so, इसमें दूसरी क्या क्या चीज़ें जाएंगी, अदरक है और ये जो मसाला अभी पीसा है हमने वो जाएगा। छान के डाल दीजिएगा। बीज वगैरह ना आए। ओके, अब इसमें जाएगा जीरा पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी। सॉटे करते रहिए इसको। हरी मिर्चें जाएंगी और थोड़ी सी चीनी टू बैलेंस द फ्लेवर और नमक। फिर इसमें हम ग्रेट किया हुआ खोपरा डालेंगे, कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हैं, ताज़ा डाल सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। और अब ऑब्वियसली थोड़ा सा पानी एंड लेट दिस कुक। जैसे ही आलू हो जाएंगे तो मैं इसमें डाल दूंगी ये जो चने हैं बॉईल किए हुए, लेकिन उसका पानी निकाल के। रात भर भिगो के रख दिए थे, सुबह में मैंने इसको बॉईल कर दिया। घी जाएगा ऊपर से और हरी मिर्चें। वेरी इजी, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। कभी कभार इस तरह की रेसिपीज़ भी ट्राई किया करें जिसमें सब्ज़ी इनकॉर्पोरेट हुई हो। और लाल कद्दू इज़ वन सब्ज़ी जो ज़्यादातर लोग नहीं खाते हैं। आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट लाइक इट। अच्छा जी, अब हमारे किचन में ज़रा गर्मी लग रही है और धुआं बहुत हो रहा है, तो मैं ज़रा एग्जॉस्ट चला लेती हूँ। हायर का ये हुड है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से किचन में से सारा धुआं निकाल देता है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखें यहाँ आलू भी हमारे हो गए हैं। टाइम टू पुट इन द चना जो हमने बॉईल कर दिए थे पहले, और इसको आप मिक्स कर दीजिए। हरी मिर्चें डाल दीजिए और अब इसको मैं धीमी आंच पे सिमर होने के लिए छोड़ देती हूँ। एंड में ऊपर से घी जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ आ जाते हैं। ये है आइसिंग शुगर और ये जो सॉस हमने बनाया था थोड़े से दूध के साथ, और ब्राउन शुगर और मक्खन। ये कैरमल सॉस हो गया ना रेडी। अब इसमें हमने आइसिंग शुगर डाल के इसको करना है एक फ्रॉस्टिंग के कंसिस्टेंसी का, ठीक है। और ये फ्रॉस्टिंग गरम गरम केक के ऊपर भी आप डाल सकते हैं, वो हम वही करेंगे। केक दिखाते हैं आपको हायर के बिल्ट इन अवन में, जल्दी से देख लीजिएगा। ये देखें कितना अच्छा ब्राउन भी हुआ है, ऑलमोस्ट डन है। बनाना केक्स नॉर्मली टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, ठीक है। सो ये होता रहेगा। इसमें अब हम आइसिंग शुगर डाल देते हैं और इसको करते हैं बीट। आपका कैरमल फ्रॉस्टिंग रेडी है।
बादाम और खजूर के साथ डेकोरेट करेंगे हम। मीनवाइल इसको देख लेते हैं, ये देखें, लुक एट द लवली कलर पम्पकिन। ये लाल कद्दू है, आलू भी हो गए हैं, चने भी इसके साथ मिक्स हो गए हैं। थोड़ी सी ग्रेवी रखिएगा, अगर सूखा करना है तो फिर इसको इवेपोरेट हो जाने दीजिएगा इसकी ग्रेवी को। ओके, सो दिस इज ऑल्सो रेडी। अब मैं रिकैप ब्रेक की तरफ चलती हूँ। आज की दोनों रेसिपीज नोट करिएगा और जरूर बनाइएगा। कैरेमल आइस्ड बनाना डेट केक अज्जा। कास्टर शुगर 250 ग्राम, अंडे 4 अदद, तेल 250 ग्राम, केले 3 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, दालचीनी 1 खाने का चम्मच, मैदा 250 ग्राम, सोडा आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, खजूर 200 ग्राम। आइसिंग के अज्जा। मक्खन 120 ग्राम, दूध 2 खाने के चम्मचे, ब्राउन शुगर 220 ग्राम, आइसिंग शुगर 160 ग्राम, खजूर 70 ग्राम, बादाम 50 ग्राम। तरकीब। एक बोल में कास्टर शुगर, अंडे, तेल, केले, वनीला एसेंस और दालचीनी फेंट लें। अब इसमें छना हुआ मैदा, सोडा, नमक और खजूर शामिल करें। फिर इस बैटर को बेकिंग टिन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 45 से 60 मिनट बेक करके आइसिंग शामिल करें। आखिर में खजूर डाल के स्लाइस करें और सर्व कर दें। पम्पकिन एंड पोटैटो करी अज्जा। पेठा 500 ग्राम, आलू 3 अदद, भीगे काले चने मुट्ठी भर, खोपरा 2 खाने के चमचे, अदरक 2 टुकड़े, पिसा जीरा आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 2 अदद, नमक हसपे ज़रूरत, चीनी 1 चाय का चम्मच, घी 1 चाय का चम्मच, बंगाली 5 स्पाइस मिक्स हसपे ज़रूरत। तरकीब। पेठे पर नमक लगाएं और फ्राई करके रख दें। पेस्ट बनाने के लिए अदरक, हल्दी पाउडर, पिसा जीरा, पिसी लाल मिर्च और थोड़ा सा पानी मिक्स करके पेस्ट बना लें। अब पैन में तेल गरम करके तेज़पत्ते, लाल मिर्च और बंगाली 5 स्पाइस मिक्स शामिल करके पकाएं। फिर इसमें आलू डाल के फ्राई करें। उसके बाद इसमें नमक और काले उबले चने शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं। अब इसमें खोपरा और पेस्ट डालकर तेल ऊपर आने तक पकाएं। फिर इसमें फ्राई किया हुआ पेठा, हरी मिर्चें, नमक और चीनी डालें और ढककर पकाएं। आखिर में पिसी लाल मिर्च, जीरा और धनिया डाल के सर्व कर दें। जी, आई होप आपने आज की दोनों रेसिपीज नोट कर दी होंगी। कैरमल आइस्ड डेट एंड बनाना केक हमने बनाया है, ज़रूर रेसिपीज ट्राई करिएगा। आप चाहें तो फ्लेक्ड आमंड्स के साथ डेकोरेट कर दीजिएगा और अब इसको ठंडा होने दीजिएगा, फिर क्यूब्स में आप काट के इसको सर्व करिएगा ऑन इट्स ओन या फिर विथ वेनिला आइसक्रीम। ये चिकपी और पम्पकिन की जो कड़ी बनाई है आलू के साथ, ये भी ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। मसाले जितने भी आप खुद भूनेंगे और पीसेंगे और ताज़ा डालेंगे उसकी और ही बात है। आई होप आपने आज की दोनों रेसिपीज़ नोट की होंगी, आपने इस शो को फॉलो किया। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक और एपिसोड में, तो देखना मत भूलिएगा। हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विथ मी ज़ारनक सिद्वा। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।